वाटर क्रेडिट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. वाटर क्रेडिट जो है इसके रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट है वो हमें आइडेंटिफाई करना होगा. पहला स्टेटमेंट कहता है इट पुट माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर. हाँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ये एक स्मॉल काइंड ऑफ लोन है, स्मॉल लोन है जो कि हाउस होल्ड सेक्टर को दिया जाता है उनके वाटर और सैनिटेशन को बेटर बनाने के लिए, उस पर काम करने के लिए वाटर और सैनिटेशन पे. ओके देन सेकंड स्टेटमेंट आता है इट इज़ ए ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च अंडर द एगेस ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड में. ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. ऐसे तो वैसे भी दो दिया जाता है तो थोड़ा सा डाउट होता है, एटलीस्ट एक उसमें से थोड़ा गलत ही होता है मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम. लेकिन ऐसा नहीं भी होता है कहीं कहीं, तो थोड़ा देख के करना पड़ता है. लेकिन यहाँ अगर एक को एलिमिनेट किया भी जाए, यहाँ दोनों ही गलत है, ना वर्ल्ड बैंक है ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये है वाटर ऑर्गेनाइजेशन. ओके वाटर डॉट वर्ल्ड जो है वाटर ऑर्गेनाइजेशन इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है. देन थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि इट एम टू एनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन द सब्सिडीज. हाँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. इट एम्स टू एनेबल पुअर पीपल्स मीट देयर वाटर प्लस सैनिटेशन नीड्स. ओके विदाउट ये डिपेंड नहीं और इसके वजह से डिपेंड नहीं करना पड़ता उन लोगों को सब्सिडीज पे. तो ये स्टेटमेंट ये इन लोगों का एम है कि उनको सैनिटेशन एंड वाटर दोनों प्रोवाइड किया जाए और सब्सिडीज पे ये डिपेंड भी ना हो. तो इसके हिसाब से स्टेटमेंट थर्ड सही हो जाता है. तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन वन और थर्ड ऑप्शन सी में है, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही है. Thank you.